हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यस बैंक के वीडियो में। यस बैंक ने फाइनली यहाँ पे लगा दिया है बाउंड बी का लो, जो कि यहाँ पे बाउंड बी का पिछला जो बाउंड बी का लो है उसको तोड़ दिया है। इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद में दोस्तों यस बैंक में दो कंडीशन यहाँ पे बन जाती है कि यस बैंक में यहाँ पे या तो ये अगर फंड राइजिंग की न्यूज़ नहीं आती तो थोड़ा यहाँ पे ये गिर सकता है और 26 से 25 के लो को जाने जाने के लिए तैयारी कर सकता है। देखिए, दूसरी कंडीशन ये आती है कि 29 के लो का जो पिछला जो बाउंड बी का लो था उसके लो लगाने के बाद में उसके आसपास ही लो लगाया है, 20 पैसे के आसपास नीचे देख सकते हैं, 20-30 पैसे नीचे लो लगाया है और 20 यानी कि बाउंड बी का जो लो है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो दो कंडीशन यहाँ पर बनती है कि यहाँ पे तेज़ गति से बाउंस बैक भी देखने को मिलता है। फाइनली ये टिका हुआ किस पे, न्यूज़ पे टिका हुआ है। दो कंडीशन यहाँ पर निकल निकल के आती है, न्यूज़ नहीं आती है तो बेड न्यूज़ चल रहा है। तो ये देखो यहाँ पे इसने यू पैटर्न बनाया है, यू पैटर्न बना के आपको थोड़ा सा ये बाउंड बी का जो नया लो आज बनाया है उस नए लो के वो नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पे कुछ फंड राइजिंग की न्यूज नहीं निकल के आती है तो नीचे जाने के लिए तैयारी करेगा और 26 से 25 के आसपास जाके वहाँ पे रुक के ऊपर दोबारा से ये ऊपर ऊपर गति की ऊपर की गति दिखाने के लिए तैयारी करेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे आती है कि 21 सॉरी बार बार में वही बोल रहा, बाउंड बी का जो लो है 29 उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है। तो क्लोजिंग आने का मतलब है कि इसने अभी अभी तक जो क्लोजिंग बेसिस पे जो 29 का सपोर्ट बाउंड बी का लो है उस सपोर्ट को बरकरार रखा है, यानी क्लोजिंग बेसिस बरकरार रखा है। इंट्राडे में जरूर इसको उसके नीचे जाके इसने लो जरूर बनाया है। अब देखने वाली बात कल कल बात है, कल इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पे 14 जो मार्च है वो तो नज़दीक आ चुका है, उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ यस बैंक में न्यूज़ निकल के भी आ सकती है। फिलहाल देखो अभी न्यूज़ बेस पर बना हुआ है, जैसे इसमें कुछ भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है यानी Q3 रिजल्ट भी अगर ये पॉजिटिव आ गया 14 मार्च को, उसके पहले फंडराइजिंग की न्यूज़ भी आ गई, समझ लीजिए यहाँ पे जो आपको 29 पर भी दिखाई दे रहा है ये एक दिन में आपको 40-50 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। 20 रुपये देखना कम से कम भागेगा, 20 रुपये भागेगा तो 20 रुपये तो ये कम से कम भागने की तैयारी है, डबल भी हो सकता है एक ही दिन में। ठीक है, तो दोस्तों ये मतलब यस बैंक की कहानी आज की कहानी है और आगे के देख सकते हैं जो जिस प्रकार 29 से यहाँ पे देखो 29 की पिछला लो है, 29 का लो है, वहाँ से देखो इसने 78 का सफर किया था, ये सफर किया था, उस सफर को पूरा करने के बाद वापस उसी मोड़ पे आ चुका है। तो यहाँ से यानी कि एक टेक्निकली बाउंस पे वापस देखने को मिल रहा है, यानी कि यहीं से वो तेज गति से भागा था और 78 के पहले रुका ही नहीं था, तो वापस ये देखो उसी के आसपास क्लोजिंग आके यहाँ पे रुकी है, तो वापस ये भागेगा ना यहाँ पे तो एक दिन में 20-20 रुपये भी भाग सकता है। फंड राइजिंग की न्यूज आती ही यहाँ पे इसका टेक्निकल बाउंस पे ना ऑटोमेटिक की तेज गति से बढ़ने वाला है और एक एक दिन में यहाँ पे 20 रुपये भाग के पता दूसरे दिन में 70 रुपये भी दिखा सकता है, इसकी कहानी है। ऐसा कोई अचंबा नहीं है, इसने पहले भी करके देखा जो कि कितनी तेज गति से भागता और जाके आया 78 जाके आया था और जेट एयरवेज का मैंने बार बार उदाहरण बता रहा हूँ बार बार में, वो 25 रुपये से एक दिन में 20 रुपये चला गया था, 3 गुना ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो ये एक ऐसे ऑप्शन के शेयर से ये अगर न्यूज आ गई तो ये सबकी निगाह यस बैंक टिकी हुई, आपको पता टिकी हुई है, जैसे न्यूज आई देखना ये अपर सर्किट से बातें करेगा आपको लगातार ये कि 10 अपर सर्किट भी लगा सकता है क्योंकि इसने पिछली बार 8 अपर सर्किट लगातार लगाई थी, 8 अपर सर्किट लगातार लगाई थी। दोस्तों देखो ये मैं किस पे कह रहा हूँ, ये न्यूज पे कह रहा हूँ, ठीक है, न्यूज आ गई फंड राइजिंग की न्यूज आ गई, तो इस टेक्निकल के माध्यम से आपको मैंने बता दी कि दो कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, फिर आप कोसोगे सर आपने बताया वो नहीं बताया, यहाँ पे यस बैंक का देखो ये अड़न का यहाँ पे सबका फैसला यस बैंक यहाँ पे फंसा हुआ है, यस बैंक की होल्डिंग बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे यस बैंक में आपको पता है फंड राइजिंग नहीं हो पाई है, बार बार वादे किए तो झूठे साबित हो चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट मौका है कि 14 मार्च को इन्होंने फिर से वादा किया 14 मार्च Q3 रिजल्ट है उसके पहले फंड राइजिंग करेंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा क्योंकि इसकी ये लास्ट मौका है, नहीं तो फिर आरबीआई इसको अपने हाथों में लेगा, तो इनको कुछ करके दिखाना होगा। अब इनके पास तो ऑप्शन भी खुल चुका है, इसका नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, इनके पास QIP का ऑप्शन खुल चुका है, 10,000 करोड़ अप्रूवल मिल चुका है, तो कुछ ना कुछ इनके पास जरूर 99.99% कुछ है दोस्तों यहाँ पे अपनी टकटकी लगा के रही है, अपने पोर्टफोलियो यहाँ पे मेंटेन करके रखी है, अगर एवरेज नहीं एवरेज करके चली यहाँ पे यस बैंक में, क्योंकि अचानक यहाँ पे न्यूज आएगी यस बैंक आपको बूम बूम जाता हुआ दिखाई देगा, ये नहीं दोस्तों आपको ये करके दिखाएगा, क्योंकि अगर न्यूज आ गई ध्यान देंगे 99.99% की पूरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसका दोस्तों सारा जो निचोड़ यहाँ पे निकल चुका है यस बैंक को कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज लानी होगी या फंडराइजिंग करनी होगी, कोई आईपीओ करनी होगी, पैसा ही यहाँ पे यस बैंक को डालना ही होगा, नहीं तो फिर आरबीआई तो इसकी मदद करने के लिए तैयार है, वो सरकार मदद करने के लिए तैयार, कुछ इसके स्टेक बेच सकते हैं, कुछ इसका कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने हाथों में लेगी, मर्जर भी कर सकती है, लेकिन फिर यस बैंक का जो मेन वादा था वो अधूरा रह जाएगा। तो यस बैंक यहाँ पे दोस्तों कुछ का वादा निभाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि बड़े जो दिग्गज यहाँ पे पैसा निवेश करने चाह रहे हैं वो 14 मार्च के पहले उनके दो अंदरूनी बातें चल रही है, अचानक से न्यूज निकल गया, अभी 10 मार्च भी निकल के आ सकती है, आज तो 4 मार्च हुआ ना, 10 मार्च को निकल के आ सकती है, 11 को निकल के आ सकती है, कुछ भी निकल के आ सकता है, कल भी निकल के आ सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे यस बैंक टेक्निकल चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, दो कंडीशन यहाँ पे तेज गति से यहाँ पे बाउंस दिखाई दे सकता है, जो कि आपको वापस ये न्यूज आ गई तो आपको 50 रुपये अभी प्लस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पे न्यूज नहीं आती दोस्तों ये बाउंड बी का लो लगाने के लिए फिर 25-26 के आसपास भी जाके ये टेस्ट कर सकता है, दो कंडीशन आपको मैंने बता दी है। ठीक है दोस्तों, अब आज के इंट्राडे में आज जो कॉल गई दोस्तों बहुत सारी कॉल गई है, कम कॉल जाती है दोस्तों, आपको सारी एक कॉल आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आज क्या हुआ कि फाइनली बहुत सारी कॉल यहाँ पे चल गई, क्यों चल गई, स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, स्टॉप लॉस आ गए तो मूड खराब हो गया, तो आपको पता है फिर रिकवरी कराना दोस्तों आसान बात नहीं होती, मार्केट डिफिकल्ट मार्केट था, दोनों तरफ मार्केट खेला पता है, टूटा भी था, उठा भी था, टूटा भी था, उठा भी था, यहाँ पे देख सकते हैं
स्टॉपलॉस यहाँ पे अपने आ चुके थे, बीपी सेल का, रिलायंस का और यस बैंक का अपने स्टॉपलॉस आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिकवरी कैसे अपने कैसे हुआ, रिकवरी के बाद बावजूद यहाँ पे बिग प्रॉफिट देखने मिला है। टाटा स्टील टारगेट सक्सेसफुल, टाटा मोटर के ऑल टारगेट सक्सेसफुल, आरबीएल बैंक के टारगेट सक्सेसफुल, जील के टारगेट सक्सेसफुल, आईसीआईसी बैंक के टारगेट सक्सेसफुल, ट्रेंड के टारगेट सक्सेसफुल और आईसीआईसी के टारगेट सक्सेसफुल के बाद भी स्टॉपलॉस आया था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा रिकमेंड आपको दिखा दो, टाइम फ्रेम आपको बता दो, क्योंकि ज्यादा कॉल है, अगर तीन चार कॉल आपको जाती है, क्योंकि कोई स्टॉपलॉस नहीं ज्यादा तो आपको पता तीन चार कॉल जाती है। ठीक है, स्टॉपलॉस आता है तो आपको फिर रिकवर भी कराना जरूरी हो जाता है, इसलिए रिकवरी के माध्यम से आपको ज्यादा कॉल दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन चार कॉल तो एक बार बार दिखा जाती है, अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा आपको, मैं रिके में यहाँ पे देखो ये टाइम दिख रहा है 10:24, 10:28 से बीपीसीएल का गया, कोटा का गया, यस बैंक का, रिलायंस का, बुक फर्मा का, आयुषी का, इंडसिंग बैंक का, इंडसिंग बैंक फिर दोबारा से, ठीक है, इंडसिंग बैंक का एक रिजेक्ट हो गया, दोबारा में दोबारा दिया, टाटा स्टील का टारगेट देखो, आरबीएल का देखो, टाटा मोटर का, जील का, आईसीआई बैंक का, ट्रेंड का, यस बैंक का देखो, यहाँ पर लास्ट की कॉल को स्टॉपलॉस कटी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आज का रिके पास जिसमें फाइनल आपको देखो प्रॉफिटी देखने को मिला है, और दिन का वो बिग प्रॉफिट यहाँ पे कोई रहने वाली बात नहीं थी आज, लेकिन स्टॉपलॉस आने के बावजूद यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे मार्केट ने आपको रिकवर कराया, उसके बाद बिग प्रॉफिट में भी लेके आया। देखिए टाटा स्टील, टाटा मोटर, आरबीएल, जील, आईसीआई बैंक, ट्रेंड और ये आईओसी और लास्ट की यस बैंक आपकी कोस्ट कटी, तो जो स्टॉपलॉस को रिकवर करने के बाद भी आपको यहाँ पे और प्रॉफिट में निकल के आया है। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट दोस्तों आज मार्केट था, लेकिन स्टॉपलॉस आने के बाद भी यहाँ पे ऐसे मार्केट ने हार नहीं मानता। आपको पता है ये कॉल लास्ट की कॉल कितने बजे गई थी, मैंने पूरे मार्केट को परखा, यहाँ पे देख सकते हैं सुबह की कॉल कितने बजे गई थी, यहाँ पे आप ये देखो, ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि उठा के दिए अंदाजे कॉल, ये 10:24 पे गई थी, उसके बाद इनको परखा, सारी कॉल चल रही थी। ठीक है, इनमें से एक दो कोई टारगेट आए, एक दो की स्टॉपलॉस आ गए, बाद में फिर जो कॉल गई थी वो कितने बजे गई थी, आप देखो मैं पूरे मार्केट को वॉच कर रहा था, ये देखो ये गई थी फिर 14:30, 2:30 कॉल गई थी, 2:30 मार्केट को ऑब्जर्व, पूरे दिन मार्केट ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं बन रही थी, मार्केट का पूरा कंफ्यूजिंग चल रहा था, डबल बॉटम डबल चार्ट बन रहा था, यानी कि डबल सिग्नल बन रहा था, 22 से 22 से 22, यहाँ पे जैसे 2:30 देख सकते पूरे सिग्नल यहाँ पे मिले, इंडसिंग बैंक भागे का टारगेट सक्सेसफुल, टाटा स्टील भागे का टारगेट सक्सेसफुल, आरबीएल बैंक भागे का टारगेट सक्सेसफुल, टाटा मोटर भागे का टारगेट सक्सेसफुल, जीरो भागे का टारगेट सक्सेसफुल, आईसीआईसीआई बैंक भागे टारगेट सक्सेसफुल, ट्रेंड भागे का टारगेट सक्सेसफुल, लगातार 7 कॉल दी, 7 के 7 सक्सेसफुल। तो ये दोस्तों देखो देख सकते हैं 14:48 पे कॉल गई थी, लास्ट कॉल भी देखो 3 बजे पहले गई थी, तो ये ऑब्जर्वेशन अंदाजे से कॉल दे दी, कहां कब कौन सा बोर्ड कौन से कॉल ब्रेकआउट होगा, दिन भर अगर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा तो कहां से दूंगा मैं, देखो लास्ट में आपको सुबह 10 बजे दिया तब ब्रेकआउट था, उसके बाद में फिर 2 बजे बाद में ब्रेकआउट बनाया तब जाके आपको कॉल दे रहा, आपके साथ को लगातार सक्सेसफुल करके आपको बिग प्रॉफिट निकाल के लेके आया हूं। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जो हिंद जय भारत, जो भी सदर इंटरेस्ट वार्ता के माध्यम जुड़ने के लिए दोस्तों छोटी सी गाइडलाइन फॉलो कर दोस्तों, आप ऐड कर सकते हैं और दोस्तों अभी पा सकते हैं बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।